आज हम GTA 6 के फन फैक्ट्स और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। GTA सगा को जो चीज खास बनाती है वो है नंबर 49 के कांस्टेंट इंक्लूजन, जो एक क्लियर जोक है इसके मीनिंग पर। ये जोक तो GTA 5 के रिलीज से पहले ही दिखाई दिया था। GTA 6 में हम लिटरली ये रॉकस्टार प्रेजेंटेशन के पीछे देख सकते हैं, जहां एक स्किमर 919 ब्रांड का साइन ले जा रहा है, जिसमें लिखा है Why do 69 when you can do the 919? GTA 6 पहली बार कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को इंक्लूड करेगा, जिनमें से काफी हमने पहले नेटवर्क 2 में देखे थे, जैसे फ्लेमिंगोस और क्रोकोडाइल्स जो सिटी में आजाद घूमते दिखेंगे। हम एक पेटिगुआना भी देख सकते हैं। लूसिया का कैरेक्टर पहली फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी इस सगा में, क्योंकि जैसे आप जानते हैं पहली इंस्टॉलमेंट में हम चार फीमेल कैरेक्टर्स चूज कर सकते थे, लेकिन उनका कोई कहानी या वॉइस एक्ट्रेस नहीं थी और कैरेक्टर का स्किन हमेशा सेम ही होता था, इसलिए मेरे बुक्स में उनका काउंट नहीं होता। ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूजिक हम सुनते हैं उसका नाम है लोबिस सलोन आर, जो ट्रांसलेट होता है लव इज अ लॉन्ग रोड। यह म्यूजिक टॉम पेटी का है और इसकी लिरिक्स प्रोटैगनिस्ट्स की कहानी को रेफर करती है, क्योंकि ये वीडियो के साथ काफी फिट होती है। आखिरी सीन में हम कुछ क्यूरियस देख सकते हैं, और मैं माइली के मस्टाश की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस स्टिकर के नीचे जो कहता है पेटी फॉरएवर। ये एक क्लियर नोड है अफॉरमेंशनड म्यूजिशियन को, क्योंकि उनकी डेथ 2007 में हुई थी और कलर्स भी उनके एक एल्बम के कवर से मिलते हैं। अंबू होटल पहला फ्री अपार्टमेंट है जो हमें GTA वाइस सिटी में मिलता है, और ये ओशन के लिए याद किया जाता है जो हमेशा पार्क्ड होता है। ये ओशन रियल लाइफ अबलॉन होटल से इंस्पायर्ड है, और हम इस ओशन को ट्रेलर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन ये कार्स के बीच में काफी कमुफ्लाज्ड होगा। इस केस में होटल थोड़ा दूर होगा जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता है। GTA 6 में हम पहली बार सोशल नेटवर्क्स पर इंटरैक्ट कर सकेंगे, क्योंकि GTA 5 में हम कुछ खास नहीं कर सकते थे। अब हम टिकटॉक या इंस्टाग्राम के पैरोडी पर ये वॉइसेस देख सकते हैं, तो मुमकिन है कि इन्हें रिकॉर्ड करके गेम में मोबाइल फोन से अपलोड भी किया जा सके। इस वीडियो में एक बंदा दिखाई देता है जो एक क्रोकोडाइल को पूल से निकाल रहा है, जो मायामी के घरों में थोड़ा कॉमन इवेंट है। और ये बॉल भी दिखाई देती है जो हमें इन वाइस सिटी में दिखने वाली बॉल की याद दिलाती है, जिसे हम मूव करके पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स किसी काम के नहीं होते। एक थोड़ा फनी पार्ट यह है कि एक टैटूड बच्चा स्पेनिश न्यूज आउटलेट में कहता है कि उसको एक बहुत ही स्टूपिड टैटू की वजह से गिल्टी एक्सपोज किया गया। ये केस रियल लाइफ केस द फ्लोरिडा जोकर से रिलेटेड है। एक वायरल वीडियो जिसमें एक यंग मैन 2008 में माइनर क्राइम्स के लिए कन्विक्ट हुआ था और अपने टैटूज की वजह से अटेंशन अट्रैक्ट किया था। ट्रेलर में हमें कई क्लासिक व्हीकल्स दिखाई देते हैं जो वाइस सिटी और स्टोरीज में अपीयर हुए थे, जैसे ट्रॉपिक, बोवर 64, स्काई और ऑलरेडी मेंशनड ओशियानिक। और सामने मॉडर्न वर्जन दिखाई देता है चेता का। जो वर्टिकल वीडियोस हम देखते हैं ट्रेलर में वो रियल लाइफ रिकॉर्डिंग से इंस्पायर्ड हैं, जो अपने टाइम पे वायरल हुई थी, जैसे यह औरत जो दो हैमर्स के साथ है, यह उस कैरन वीडियो की याद दिलाती है जो फ्लोरिडा में एक औरत का अपने पड़ोसियों के व्हीकल्स को तोड़ते हुए रिकॉर्ड हुई थी। और एक और एग्जाम्पल है आधा नंगा आदमी जो पौधों को पानी दे रहा है। ये उस फ्लोरिडा इंसिडेंट का क्लियर नोड है जहां एक आदमी ओपनली एडमिट करता है कि उसको अपना गार्डन अपने पीनिस को एक्सपोज करके पानी देना पसंद है। GTA वाइस सिटी में बैंशी का एक यूनिक मॉडल था जो बाकी गेम्स से डिफरेंट था। GTA 6 में ये मॉडल बाकी सब मॉडल्स के साथ अलाइन होगा, क्योंकि वाइस सिटी की बैंशी को एक क्लासिक मॉडल माना जाता है, क्योंकि ये गेम और स्टोरीज बाकी सब गेम्स से पहले के टाइम पे बेस्ड हैं। सितंबर 2012 में बहुत सारे GTA 6 गेम प्ले क्लिप्स लीक हो गए थे, और ये बिल्कुल रियल थे, ऑल्दो ये प्री अल्फा वर्जन में थे। इस वजह से ग्राफिक्स और टेक्सचर्स ज्यादातर GTA 5 से रिसाइकल किए गए थे। एक एग्जांपल इसका ये बॉक्स है जो लीक्स में देखा गया था, जिसमें GTA 5 का लाइट हाउस दिख रहा था। ये फाइनल वर्जन में बदल दिया जाएगा शायद। क्यूबंस और हेशियंस वाइस सिटी के नेबरहुड से एसोसिएटेड में गैंग्स हैं। इन गैंग्स ने 2003 में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी,
जिसकी वजह से रॉकस्टार ने इनका सारा रेफरेंस हटा दिया था, उन पार्ट्स को कट करके जहां इनका जिक्र होता था। लेकिन GTA 6 में आप हेटी का फ्लैग देख सकते हो, एक ऐसे जगह पे जो लगता है कि एक मार्जिनल नेबरहुड है। इसका मतलब ये ग्रुप्स शायद वापिस आएंगे, इस बार बिना सेंसरशिप का डर के। एक और नोटेबल शॉट वो है जिसमें फ्लोरिडा कीज दिखाए गए हैं, जहां आप एक एक्स्ट्रा ब्रिज देख सकते हो जो अभी तक अनफिनिश्ड है। शायद यह उन यूनिक जंप्स में से एक है जो प्लेयर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। यह भी देखने को मिलता है कि एक एयरशिप दूरी में दिख रहा है, यह रियल लाइफ का वो फेटल साइट है जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का है। जेसन के पहले शॉट में हमें यह दिखाई देता है। रॉकस्टार का पहला बिजार जोक पोस्टर्स पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक पोस्टर में एक मेडिकेशन का अड दिख रहा है जो इमोशंस के लिए है, लेकिन निश लिखा सबटाइटल क्लियरली कह रहा है डॉक्टर को कॉल करो अगर तुम्हारी चॉइस 4 घंटे से ज्यादा टिकती है। ये पोस्टर उन कई सारे पोस्टर्स में से एक है जिसमें कॉमिक मैसेजेस दिए गए हैं इस सागा में, और नीचे जो ब्रांड का नाम दिख रहा है वो पीजर का पैरोडी लग रहा है। ऐसा लगता है कि लुसिया GTA 6 की मेन प्रोटैगनिस्ट होगी, क्योंकि सिर्फ उसका ज्यादा अपीयरेंस है और जेसन का नाम कहीं भी नहीं लिया गया। GTA विकी भी उससे नाम से नहीं बुलाता। वहीं पहले ट्रेलर में पिछले गेम के माइकल ही सिर्फ बात करते हैं और नरेशन देते हैं, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये वैसे ही होगा। रॉकस्टार के पेज के मुताबिक ये गेम PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज के लिए अवेलेबल होगा, मतलब PS वर्जन के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये इसलिए है क्योंकि प्रोग्रामर्स को कोड में एंट्री करना और सब कुछ रिवील करना काफी आसान लगता है, जो मिस्ट्री को काफी हद तक खत्म कर देगा। GTA 5 में भी, हालांकि यह ज्यादा नोटिसेबल नहीं था, कुछ लिमिटेशंस थी यूज टाइम के हार्डवेयर की वजह से, जिसके चलते उनको काफी सारे ट्रीज रिमूव करने पड़े, एस्पेशली माउंटेनस एरियाज में, ताकि गेम परफॉर्मेंस पे असर ना पड़े। लेकिन GTA 6 में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, स्ट्रक्चर्स और व्हीकल्स का प्रेजेंस मैन आर्टवर्क में देखने को मिलेगा, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी हाई होगी। मैन आर्टवर्क मैन प्रोटैगनिस्ट्स में लुसिया एक इलेक्ट्रॉनिक एंकलेट पहनी हुई दिखाई देती है, जो परोले पे रहने वाले प्रिजनर्स के लिए यूज होता है, तो यह तय है कि उसका जेल स्टे प्लॉट में कुछ सिग्निफिकेंट होगा। GTA 6 का लोगो भी थोड़ा अलग है, क्योंकि पहली बार लेटर्स पीछे होते हुए दिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग सुपर इम्पोज्ड इन फ्रंट। मुझे उम्मीद है कि यह फ्यूचर में चेंज हो। इस सीन में हमें एक बोट रेस दिखाई देती है BP के सामने, और ये मायामी बी का एक क्लियर रेफरेंस है जो इस सागा में काफी बार रेफर किया गया है। लुसिया का जेल में सीन शायद स्कारफेस के शुरुआत से इंस्पायर्ड हो सकता है, जहां टोनी मोंटाना को पुलिस ने बीच पर इंटरोगेट किया था। नीचे काफी डिटेल्स देखे जा सकते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जैसे ये दो लोग जो सेल्फी ले रहे हैं, एक चिहुआवा डॉग, ये बच्चा जो एक लड़की पर सनस्क्रीन लगा रहा है जो टी पोज कर रही है, स्काईमैन एक सिया स्पैरो जो हम पहले भी देख चुके हैं, और ये एक बंदा जो दूसरे आदमी के पिछवाड़े की तस्वीर खींच रहा है, एक और लड़की गे टोनी के GTA के बलद के एंड में, एक होमलेस आदमी गलती से एक डायमंड पाता है जो पहले कचरे में फेंका गया था। इस आदमी का नाम जेरी कापो है, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये डायमंड के वजह से मिलियनेयर बन गया, और उसने अपनी वेल्थ बाय सिटी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया एक वेपन्स और लिकर स्टोर खोलकर। शायद GTA 6 में हम उसका स्टोर देख सकते हैं, जो रॉकस्टार के तरफ से एक बढ़िया डिटेल होगा। GTA 6 का ट्रेलर लीक होने के कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुआ था, लेकिन फिर भी यह ट्रेलर अपने पहले दिन में 3 गिनेस रिकॉर्ड्स तोड़ने में सफल रहा। ये रिकॉर्ड्स हैं: एक वीडियो गेम ट्रेलर के लिए 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा गया ट्रेलर, उसी पीरियड में सबसे ज्यादा देखा गया नॉन म्यूजिकल वीडियो, और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइक्स वाला गेम ट्रेलर, बस सिर्फ YouTube पे, जहां इस पीरियड में इसको 100 मिलियन व्यूज और लगभग 7 मिलियन लाइक्स माइल। ये सच में एक दीवानगी थी। GTA San Andreas रिमास्टर में हमें शायद पहला इंडिकेशन मिला था GTA 6 का। अगर हम एल प्रोइन में जाएं और UFOs की फोटोज देखें, तो एक फोटो में हमें ये घर दिखेगा जो फ्लोरिडा में बेस्ड एक रियल घर पे है। जब ट्रेलर रिलीज हुआ, कुछ लोगों ने फुटेज में इस घर को ढूंढने की कोशिश की, और ये संभव है कि ये वही घर हो जहां क्रोकोडाइल है, क्योंकि उसका पिछला हिस्सा और खिड़की कुछ मिलती जुलती लगती है, और वहां पे जो पेड़ हैं वो भी सेम लोकेशन पर हैं। इस इंस्टॉलमेंट में हमें कुछ सबसे क्यूरियस और बिजार न्यूज मिलने वाली है वेल न्यूज से, और उसके प्रीव्यू में हमें एक न्यूज दिखाई देती है
ये न्यूज एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने खाना ऑर्डर किया और बिना पे किए भाग गया, फिर अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। और फनी बात यह है कि न्यूज का हेडलाइन जोकलो में एक विटी स्टाइल में दिया गया है, जो एक वर्ड प्ले है फ्रेज देयर इज नो टर्निंग जोन के साथ, लेकिन पेरेंथिसिस के साथ ये कह रहा है देयर इज नो टर्निंग जोन।